ग्वालियर पुलिस प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के साथ हजीरा इलाके में गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करते हुए व्यापारियों को पकड़ा है। तकरीबन 70 सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। CSP रवि भदौरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन को काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि चार शहर का नाका इलाके में बड़ी संख्या में व्यापारियों द्वारा गैस शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है और जोखिम भरा भी है, जिस पर आज पुलिस टीम द्वारा प्रशासनिक टीम के साथ छापा मार कार्रवाई कर 70 सिलेंडर जब्त किए गए। जिस उपकरण की मदद से रिफिलिंग का काम होता था, उस उपकरण को भी पुलिस ने जब्त किया है। थाना हजीरा क्षेत्र में चार शहर के नाके में पटेल स्कूल के पास स्थित मकानों से सूचना मिली थी कि वहाँ पे कमर्शियल और जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उनसे छोटे सिलेंडर्स में रिफिलिंग का अवैध काम हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है और वहाँ रेड करने पे तकरीबन 70 सिलेंडर बरामद हुए हैं और उनमें जो रिफिलिंग करने के इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी बरामद हुए हैं। ये चूंकि एक भीड़ भरा क्षेत्र है, मार्केट भी है, तो यहाँ ऐसी गतिविधियों से कभी भी जनहानि हो सकती है, विस्फोट हो सकता है, लिहाजा इस पर कार्रवाई की गई है और इन पे EC एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने क्या लोगों को गिरफ्तार किया गया और सर ये कितना बरामद किया गया सिलेंडर? अभी ये देखा जा रहा है कि ये दुकानें किसके पोजीशन में थी और इसमें किन किन लोगों की बेचने में और मैं स्टोर करने में भूमिका थी, उसके अनुसार से इसमें कार्रवाई की जाएगी।